أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اللح التي فتر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي الذي مولانا الكريم ما شاء الله كان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

या जिंदगी देने में सेवेंटी फाइव परसेंट जिस पाकिजगी और तहारत से इंसान के वजूद के अंदर वो नुरानीयत आती है और उसे ज़िंदगी मिलती है उसका ताल्लुक़ पानी से है इस पर हमारी कल बहस ख़त्म हुई थी और हमने इसको कंटिन्यू करना है लेकिन कंटिन्यू करने से पहले तीन सवाल मेरे पास मेरे पास फीडबैक आता है बहुत सारे हमारे बच्चे हमारे सुनने वाले फीडबैक देते हैं और मेरे ऊपर वाजिब है मेरे ऊपर ज़रूरी है कि मैं उन सवालों के जवाब दूँ उस फीडबैक में पहला सवाल था कि जो तस्वीर के बारे में आ, मेरा ख़्याल कोई पांचवी छठी मजलिस पे मैंने ये आ, आ, कुछ सवालों को मैं लिख के वहीं पर जवाब दे देती हूँ कुछ सवाल ऐसे हैं कि उनका ऑन एयर जवाब बनता है इसलिए उन सवालों के आज जवाब होंगे और वक्त बचा तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे वरना ये इतनी दिलचस्प बहस है कि आप कि रोंगटे खड़े हो जाएं कि क़ुरान ने किस खूबसूरती से तहारत के इस लफ्स में जो है इनिम ख़लक अर्दम अरदम्मजिया

के लिए एक जुमला मैंने उस वक्त मजलिस के दौरान बोला होगा कि तस्बी इंसान के, के वजूद को कंट्रोल देती है तस्बी से इंसान अपने वजूद में एक बैलेंस पैदा करता है तस्बी से इंसान अपना वजन पैदा करता है तस्बी से इंसान अपने वजूद के अंदर एक ताकत पैदा करता है अब एक सवाल है अपने जहनों में जितने लोग आप इस वक्त इस मजलिस में हाजिर हैं और इमाम जमान हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं और जिक्र का एक तरफ आप जहन में इस लफ्ज तस्बीह को रखेंगे क्योंकि अव्वल दिन से हमने बहस क्या करनी है हमने जाहिर पे बहस नहीं करनी वाकई पे बहस नहीं करनी एग्जिस्ट जिस चीज को मस्क कर रहे हैं उस पे बहस नहीं है हमारी हमारी बहस अरवाह के ऊपर है हकायक के ऊपर है रियलिटीज के ऊपर है हकीकत के ऊपर है कि किसी भी वजूद के अंदर उसकी रूह अगर हकीकत है तो इस कायनात में कोई कोई मखलूकत कोई खिलकत हत्ता दरख्त के साथ पत्ते के अंदर भी रूह है कोई चीज रूह के बगैर नहीं है तो उस अरवाह के क्योंकि उसकी हकीकत है और क़यामत के दिन ये सारी चीज़ें इंसानों के सामने खुलेंगी क़यामत के दिन तो ये बात भी ख़ुद इंसान हैरान होएगा जब उसकी स्किन टॉक करेगी स्किन उसकी ज़िल्द बोलेगी हाथ अंगूठे उंगलियां तो अलग बात है ना अल्युम नखचम अलअवाहिम अफ़वाहिम आई दिम यानी उस दिन तो स्टंप होगी ना फिर आप खुद हैरान होंगे कि आपके खिलाफ आपके हाथ गवाही दे रहे हैं हमारे खिलाफ हमारे पाओ से अलग सवाल होगा हाँ क्या किया दुनिया में तो पैर बोलेंगे पैरों को जुबान मिलेगी हाथों को जुबान मिलेगी उंगलियों को जुबान मिलेगी स्किन को जुबान मिलेगी और हमारे खिलाफ गवाही जाएगी और फिर आप उनको चुप नहीं करा सकते हैं तो बहरहाल ये कि रूह असल हकीकत है उस हकीकत कि जितना हम करीब होंगे उतना हकैक को समझने वाला अपनी जिंदगी में साबिर भी होता है और हसब से भी पाक होता है कीना ग्रज और मुखालफत छोटी छोटी चीजों पे फाइट पता नहीं हजारों किस्म की बाज़ अखलाकियां हमारे अंदर हैं तो ये एक तरफ जब हम हकीकत से दूर होते हैं रियलिटी से फार होते हैं कोई हमें पता नहीं चलता हम कौन सी दुनिया में हैं तो हमारे ऊपर फिर वही चीज़ें जो मटेरियलिज्म है वो सवार होता है और हम असल चीज़ से दूर हो जाते हैं एक सवाल तो ये था इस सवाल के दूसरा सवाल था तोहीदे तनजीही और तोद तस्बीही इसके मुतालिक सवाल था दोनों सवालों का जवाब देते हैं तीसरा चूंकि मेरे मोबाइल के ऊपर उसका था मैं इंशाल्लाह उसको देखती हूं कि वो कौन सा था बहरहाल इन दो के तस्वीर मतलब मैंने आपको बताया और अगर उस मतलब को आपने रूह में उतार लिया तो फिर आप मौलाई हैं फिर आप जो भी दुआ मांगेंगे कबूल है ये जो बहस है ना ये आपको मोमिननी सिर्फ बनाएगी आपको उस हक और हकीकत और रियलिटी की तरफ लेके जाएगी मसलन तस्बीह के मानी समझना और है और तस्बीह की हकीकत और रूह को समझना और है आज के विलायत से इस बीबी पाक सलाम अलैहा की बारगाह में जो उस सवाल के जवाब में जो मुझे पूछा गया है तस्बीह का मतलब सब यानी गर्क होना कोई इंसान जी शूर बता दे कि गर्क किस में हुआ जाता है जब इंसान कंप्लीट सर से पाँव तक पानी में डूबता तो कहते हैं ये डूब गया गर्क हो गया तो तस्बीह के लिए गर्क होना जरूरी है गर्क होने के लिए मतलब को मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है किसके लिए गर्क हो किसकी की खातिर गर्क हो तो कहा इस कायनात में रोजे अव्वल से कोई चीज यु सब्ला व इनमिन कोई चीज ऐसी नहीं है यु सब जो नहीं करती हो अर्ज लेकिन अव्वल दिन से ही तस्बीह की रूह जैसे हमारा जिसमें हम जाहिर है और उसके बाद रूह को कोई देख नहीं सकता इस तरह इस कायनात में अव्वल दिन से अव्वल वक्त से जब से अल्लाह रब्बुल आलमी ने प्लान किया बेस्ट प्लानर ने कि इस कायनात को बनाऊं और अपने वजूद को कि के को का के लिए पहचाना जाऊं यानी इसलिए बनाया नूर को अनवार को अलग करके कि अल्लाह ताला की जात ने इरादा था ना कि पहचान आ जाऊं कुंतु कंजन मखफियन उस हदीस को अगर हम जहन में रखें तो आ, उसके बाद उस अव्वल दिन से तस्बीह की रूह ये जहन में रखे जैसे हमारा जिसमें हमारी रूह को कोई देख नहीं सकता अगर आपने मुझे मिले आप आपने मुझे कहा कि आज मैंने एक हज़ार तस्वीर की अल्लाह अकबर की आज मैंने ला इला ला ला की बीस तस्बियाँ की आज कुल अहद की पचास तस्वीर की आज जो है ना सुर तक की सौ तस्बियाँ की मसला मैं कहती हूँ अगर एक हज़ार साल इंसान तस्वीर करता रहे लेकिन अगर तस्वीर का मतलब ना आता हो तो एक भी तस्वीर का सवाब नहीं है तस्बीह यह नहीं है कि हम लेकर कुछ जिक्र को करते रहें। तस्बीह की रूह और हकीकत को जहां महत्क होती है जहां साबित होती है उसको पहचाने तो इस कायनाच आलम में वजूद हजरत सैयद आलमीन रूह तस्बीह है वजूद बिनते रसूल हकीकत तस्बी है इसीलिए तो जब ये तस्बी करती है तो खुदा को भी कुरान में कहना पड़ता है फलाउ से इन नजुम और कसम है मुझे उन सितारों की कि जब तस्बी जमीन पर होती है तो सितारे आसमान से जमीन पर उतरते हैं अल्लाह अकबर صل على محمد وآله جو أصل حقيقة جبتك تسبيحك تسبيح حقيقة روح ولاية فاطمة ظهرة سلام الله عليها معرفة فاطمة ظهرة سلام الله عليها جب اس تسبيح میں وہ معرفت نہیں غرق نہیں ہوں گے غرق यानी इतना इश्क हो इतना इश्क हो कि कुरान की आज के मुताबिक मब्दत की मिजान पर चला जाए व मन खीन हाविया कल हमने पढ़ा रहमत अबू नूर व रहमत यानी रोज़े अव्वल से वजूद हजरत अलैहा मै रहमा है बीबीपाक के लिए उम का लफ्ज कायनाज की मां जमीन की मां आसमान की मां अम्मा की मां खलाय की मां दोराज की मां मतलब पूरी पूर, बा और मोलाली के लिए अब का लफ्ज़ बाप का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो अब जो तस्बीह के जरिए अंडरस्टैंडिंग और के जरिए अपने अमल को वजनी बनाएगा अब उसका अमल मकबूल होगा तो वजनी होगा और अगर मार्फत नहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं रूह का नहीं पता मानी का नहीं पता उस ताल्लुक का नहीं पता वो ताल्लुक डेवलप नहीं होता तो उसके बाद क्या रह जाता है वमन और जिसने अपने अमल को हल्का कर लिया इधर तस्बी की है उधर बेहिजाबी करके तो आधा लिबास पहन के घुटनों तक हमारा ट्राउजर है और हम नंगे फिर रहे हैं और हम कह रहे हैं बीबी फातिमा की औलाद है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर यहां अल्ला पर जो है ना कयामत की निशानियां हैं कि शर्म भी नहीं आती ये बात कहते हुए हमें हमें शर्म भी नहीं आती कि हम ये थोड़ा सा जो है ना नमू से इलाही का ही कर ले और फिर हम बड़े ए, 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 जो है ना उससे बेशर्मी से ये बात कहते हैं और इधर हमने जो है कहा कि जी तस, ये तस्वीर नहीं है ये मानी नहीं है क्या हुआ वह मन खफत मवाजी नहू इधर अगर अच्छा अमल हुआ मकबूल अमल हुआ कुरानी अमल हुआ इस्लामी अमल हुआ इमाम के मुताबिक अमल हुआ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हुआ लिल्लीत के साथ हुआ रहमा फातिमा है मन खफत में रहू और जिसने अपने अमाल में अपने अमल को हकीर करके डाला यानी हकीर कैसे होएगा ऑब्वियसली जब वो खुदा अल्लाह के लिए नहीं मटीरियलिज्म में डूब कर ये भूल ही गए हैं मैं खातून हूं मेरे ऊपर हिजाब वाजिब है मेरे इधर शर्म होनी चाहिए महरम ना महरम की पहचान होनी चाहिए अरे सैदाज करबला से शाम तक महरम ना महरम का वो गिरिया करती गई है और आज हम आसानी से कह दे कोई ना महरम महरम का फर्क नहीं है क्यों नहीं है आखिरी जमाना है इमाम के जहूर में यही तो चीजें रुकावटें हैं कि हमारी आने वाली मखलूक मॉडर्निज्म के चक्कर में ये कौन हमारे दीन से हमारी सोच से हमारी फिक्र से हमारी अंदर से लहियत को

चादर का लिबास का औरत की इज्जत का ऑनर का डिग्निटी का सूरे उतारे हैं आयतें उतारी हैं इज्जत दी है आबरू दी है और हम सब कुछ उतार कर कहते हैं कि नहीं जी ये तो मॉडर्निज्म ये है तो यहां फिर आपकी अपनी मर्जी है उमू हाविया फिर मां नहीं पहचानेगी उमू हाविया और आपको पता हाविया किसको कहते हैं ये जहन्नुम का वो बदतरीन मकाम है देख लीजिए असली मां के मुकाबले में वो नकली माँ भी है जो शैतान ने बनाई है तो इसलिए उस तस्बी की असल रूह को पहचानना है इन्न है सिद्दी कतुल कुबरा वाल फचह दारूला दारच खरू नारच उस उस तबाफ से बना है जो अर्श पर होता था तस्बीह बीबी की होती थी तस्बीह और बीबी फरमाम कि इमाम इस्लाम का फरमान इमाम जाफर के हम हैं जिन्होंने फरिश्तों को तस्बीह सिखाई हम हैं जिन्होंने जो है मखलूक़ात को तस्बीह करना सिखाया और आसमान पर बीबी पाक अपने मुफाखरा में अना यानी आसमान पर जो बैतुल मामूर कहती मैं हूँ बैतुल मामूर और बैतुल मामूर एन काबा के ऊपर था और वहां पर फरिश्ते आकर दौ उला यानी सदियों से सदियों से उस जगह का तवाफ किया जाता था और वही तस्बीह की सदा बुलंद होती थी और तस्बीह की असली रूह तस्बीह की वो आ, वो हकीकत फातिमा दाहरा, सलाम जिस नूर ने रोजे अव्वल से और देखिए यहां ये भी बात है अगर हम तोहीद तनजीही और तोहीद तस्बीही को दो थोड़े से वक्त में अंडरस्टैंड करना चाहें तो توحيد التنزيح يعني بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يسب الله الصمد لم يلد ولم يولد يتنزيح هي توحيد بسم الله الرحمن الرحيم آه آه هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم يا توحيد تنزيهها رب الاول تمام ايك جملة من الله أكبر إس الله اكبر من جمع ہو جاتي هي يعني चीजों पर की किबरियाई ये इसी तरह आपकी आप इस मिसाल को समझ सकते हैं कि जैसे मैं यहां बैठी और मैं ये जुमला बोल रही हूं कि सब्बु हन खुदूस याम्बुलमलाए का मसुहन खुदूस क्योंकि इमाम के मसलन, लिए ये लिखा गया कि आप असरे आशूर के बाद जब सजदे में थे तो आप सब्बु हन की सदा जो है आपकी ज़ुबान से विरद ज़ुबान था ये जुमला भी आपके लिए तो सब्बोहन कुदूस अगर कोई इस जुमले को समझना चाहे उस तस्वीर को सुबह या माशरे और वो तोहद तनजी को ला इला, ला इस इन तस्बीत को या तनजीही को जिसमें किबरियाई परवरदिगार की है उसको समझना चाहे तो ऐसे ही है कि जिसने तस्वीर की है मसल سبحان من لا يأتدي على أحل مملكته يا مثلا سبحان, سبحان من لا يشارك أحدا في أمره يعني جتني بي سبحان من يرى أثر النمل في السماء سبحان من يرى أثر النمل في السفاء سبحان من يرى, سبحان من يرى, سبحان من يرى اه وقع الطير في الحواء یہ سیدہ پاک کی تسبیح کی اقسام ہیں جب آپ سیدہ پاک کی تو تو اب उस उन तस्बीहात और उस वजूद और उन तमाम चीज़ों में जो कि इंट्रोड्यूस कराई गई हैं वजूद मुकदस सै रफात मल से और हमें इस बात की तरफ जो है वो तवजो दिलाई गई है कि कौन सी कौन से मकाम पर कौन सी जगह पर किस तरह से हम इन से दली, के ज़रिए अपनी तनजीह कर सकते हैं तकदीस कर सकते हैं तो उसकी मिसाल मैं आपके सामने अर्ज कर रही थी कि जैसे मैं बैठकर कहूं कि सुबूहुन कुदूस सुबूहुन कुदूस या सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकुल युशरिकून ला तुद्रिकुल अबसार या लैसा कमिसलही शैउन उस जैसा कोई नहीं है उसको कोई दर्क नहीं कर सकता कोई आंख उसको देख नहीं सकती ये इसी तरह और जो कहने वाला है सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून या सुबूहुन कुदूस वो ये कि मैंने ये कहा है मैं ये कह रहा हूं मसलन एक तालब इम है वो ये कहे मेरे जैसा कोई तालब इम के ये मैंने तस्वीर की है मगर खुदा जो मैं तस्वीर कर रही हूं खुदा इस तस्वीर से इस तारीफ से कहीं बुलंद है कहीं बुलंद है आला है अब जितनी भी तस्वीर अब देखिए कि उस अव्वल दिन पर सोचिए कि जब अगर सै राम उस नूर से अलग होकर जब वजूद मुकदसे सहरा फाजल उस नूर ने तस्वीर को शुरू किया है तो इन तस्बीहात को अल्लाह अकबर या सुबह अकबर या दूसरी तस्बीहात तो ये जब तस्बीहात हो रही थी तो कहा यही जा रहा था इन आ, आ, रूह तस्बी के जरिए कि ये तस्वीर हम कर रहे हैं मगर खुदा इस तस्वीर से इस पाकिजगी से जो हम बयान कर रहे हैं वो कहीं बुलंद है यानी हम उसकी किबरियाई बयान कर रहे हैं पर उसकी किबरियाई हमारे बयान से और भी बुलंद है यानी जहां पर फातिमा की इस बात को इतना लाखों साल पे मोहित है ये तस्वीर इसीलिए तो तासीर है इसीलिए इतनी तस्वीर है कि रूहे तस्वीर है हकीकत तस्वीर है और जब तक कोई भी तस्बीह करने वाला उस विलायत फाति गर्क नहीं हो जाता अपने वजूद के अंदर जैसे इंसान पानी में पूरा जाकर बाहर आता तो तो, तो फील होता है कि वो पानी में घुस लेकर आया कहते हैं ना कि इंसान को निशात देती हैं इंसान को जिंदगी देती हैं सेहत देती हैं ये वाली चीजें कि इंसान गुसल करे पानी के अंदर जाए आए जो भी तो अगर यह इंसान की जाहरी फीलिंग्स है तो जाहरी तौर पर इसीलिए फीलिंग्स दी जाती हैं कि असल में इनकी हकीकत कुछ और है और रूह इनकी कुछ और है सुकून उनको नहीं मिलता जो हकीकत से वाकिफ नहीं होते हजार बार गुसल कर रहे टेंशन अपनी जगह रहेगी तो जहां आप मुझे बता दीजिए जितने आप लोग आज के इस जो है और तस्बी ही तोहद भी ये सुबह के यानी खुदा वो चीज़ें जो हम सोचते हैं हमारी सोच से कहीं मोर्रा बाला पाक वो उसकी जात है जो चीज़ें इंसान की ज़रूरत की उससे कहीं पक् व उसकी जात है तो एक सलावत पढ़ लीजिए बाबा बाबा से बुलंद इस मौजूक को आगे लेकर चलते हैं अब यह है कि आ, अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं आखिर पे पूरी दुनिया में यह बहस चल रही है कि खाद नबी जीन का क्या मतलब है इसके साथ जोड़ेंगे वैसे ही ताकि लफ्जों की दुनिया में एक सलावत और पढ़ लीजिए बाबा सब हम सब जितने लोग हैं आपको पता है कि ये खाचम नबीन की बहस पर पाकिस्तान में दुनिया में कहीं भी बहुत ज्यादा यह बहस चलती है और आ, सारे लोग खाचम का मतलब समझते हैं बेब्यान भी यही होता है और सुनते भी यही हैं आप लोग भी कि खाचम का मतलब है खत्म करने वाला ख़ाचमनबीन यानी आखिरी नबी यानी जहां पर नबोवत खत्म हो गई ये बात दुरुस्त है सब तक बात पहुँच रही है जहाँ पर नबूवत खत्म ख़त्म होगी दुरुस्त लेकिन लेकिन फ़िकबार से फ़िक सिर्फ ये नहीं है कि वज़ू का तरीका हो और गुस्ल का तयम का और ये फिक हर उस अंडरस्टैंडिंग में जो अहलबैत तो सलाम इसीलिए हमारे सलाम तो, हमारे शियों को हम सब को जो है ना जो मानने वाले हैं उनको बार बार तोज्जो दिलाते हैं कि तफक् करो तफक् करो वरना जाहिल रह जाओगे खातिम का मतलब जो फ़िकही लिहाज से इमाम बताते हैं या उसको फ़काहत की नज़र में जैसे उसको देखा जाता है ख़ातिम का मतलब है कि इस कायनात के अंदर जो कुछ भी परवरदिगार ने खलक किया है यानी जहां पर दर्दाइल जैसा फरिश्ता ये सोचे कि उसकी खिलकत या उसकी मखलूकत या उसकी हद खुदाई कहां पर है किस कमाल पर है तो जहां तक उसकी हद कमाल और हद खुदाई है वहां उस आखिरी हद को कहते है खाते है खाते हैं खातिम जो कमाल जलाल जमाल सिफाच वजूद नूर सारी चीजों में हुस्न में जेबाई में खूबी में खैर में नूर में वजूद में इबादत में हुस्न में अपने ओहदे में तमाम ओहदों में बुला जहां सारी खूबियां खत्म हो जाए वहां पर नबीन यानी जो सारे कम का मालिक है वो मेरा रसूल यानी इसीलिए पहले भी हैं और आखिरी भी है जहां तमा जहां रब्बुल आलामीन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो खालि को मालिक है जहां तमाम हुस्न तमाम जिबाई तमाम खूबियां तमाम खैर तमाम जो है अतए तमाम फजीलतें तमाम मंजिलें तमाम मरचबे हद कुदरत, हद खुदाई में जिस आखिरी मकाम पर हो वहां मोहम्मद मुस्तफा सल्ह इसलिए अव्वल भी हैं और आखिरी भी हैं उस आख मकाम में जहां पर कोई नहीं जा सकता वहां मेरे रसूल है तो जहा खुदा की जेबाई और, और सिफात और कमाल और बरकतें और फजीलतें और मकाम और, और इज्जतें और जलाल आखिरी मकाम पर हो वशम से वहा उस मंजिल पर आसमान पर नबुवच के उस आसमान नबुवत परम से आहा जो कमालत और जबाई के साथ इस फ़ज़ल से फी हो जहां तमाम जगह खड़े होकर जिस पर सलाबाद भेजें जिसका एहतराम करें उसे फौज मजहरा सलाम कहते हैं जो खड़े होकर ये कहेंूही फौज है फल जच फल वग़ैर उस मकाम पर हैं कि अफजल्बिया खड़े होकर इस बात को कहते हैं फ़कद सर रहा सर रनी जिसने फातमा को खुश किया उसने मुझे खुश किया मेरा दिल चाहता है कि जो बीबी के अलखबाज हैं तकरीबा हंड्रेड फिफ्टी से ज़्यादा आ, मैंने उर्दू में उनकी कोशिश की है लिखने की और निकाले भी हैं हंड्रेड थर्टी नाइन फोर्टी तक के मैं आप लोगों को अलबी के अदारा के ग्रुप में भेज सकूँ कोशिश करूँगी उसको मैं उसका फ़ोटो करके तो आप लोगों को सेंड करूँ जो नबी पाक का फरमान के फलदत खब जल मुस्तफ़ा यानी जिसे आप बदतर रसूल भी कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिगर का टुकड़ा कभी आपको वक्त मिले आप आराम से बॉडी के अंदर लीवर के फंक्शन को पढ़िएगा क्या है जो हमारी बॉडी के अंदर लीवर का फंक्शन है ना पूरे इस्लाम में नबुवत में इमामत में दीन में फेत में फिक्र में सोच में इबादत में रियाजत में जियारत में बंदगी में अबूदियत में वही फंक्शन सैयद रफात मतरा सलाम का है जैसे लीवर आपके मेदे के और आपके अंदर आने वाले फासद मदों को गैर ज़रूरी चीज़ों को खराब चीज़ों को जो आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं स्टेन करके अलग कर देता है और वो चीज़ जो आपके खून में आपको एनर्जी देने वाली है आपका लिवर उसको आपके खून तक पहुंचाता है ये सिस्टम तो आम डॉक्टर भी और आम लोग भी इन के इसको नहीं तो और जाके सर्च कर लें और फिर आप इसीलिए कल के मौजू से जोड़ते हुए तारीख ने भी कुरान ने भी और अदीस रसूल ने भी वजूद पाकि सैदम को उस मक़ाम पर कि जहाँ जो बैुत जो बैतुलनबी है बैतुल्बैत फौती मजाहरा है बैतलनूर है बैतल्क़्रन है बैतुलवाही है बैत अली कुशा शेर खुदा है उस बैच की तरफ या इस्लाम की तरफ इमामत की तरफ विलायत की तरफ आने वाले हर फासद हमले के आगे खड़ी हो गई और इस तरह टूट कर वही से जो है उन तमाम फासद माजों को या वो तमाम जहालतों को जुल्मतों को या जाहलों को इस तरह दूर किया कि जैसे इसमत फाति मजहरा या कबदिल मुस्तफ़ा जिगर मुस्तफ़ा का हक था कि खुद चूर चूर हो गई जख्मी जख्मी हो गई और दीन बराश नहीं आने दी इमामच के लिए और याद रखी गई ये जुमला बार बार पढ़ती हूँ मैं कि बीबी पाक जो आपके अंदर जो आपकी रूह के अंदर वसत चाहिए आपको कयामत में पता चलेगा शेफाजा जिमारा ला कितनी वसतत में है ला ला मीन क्या मक़ाम देते हैं क़यामत के इन शह आखिरी मजलिस तक उसको बचाएँगे क्या किस तरह उसको नबी पाक सल्ला आपकी चादर के हिसाब से बयान फरमाया तो इसीलिए आपके अंदर एक लहियत थी दरवाजा गिरा जिस जख्मी सब कुछ हुआ पर आपने कोई जाति इंतकाम नहीं किसी से लिया जाति दुखों का कोई कोई बात नहीं की आपने, जाति दुखों के लिए किसी को टारगेट नहीं किया कब बोली कब क्या किया कब गलियों में बैठी कब सड़कों पर तो कब कब्रिस्तान में गई अपने बाबा की कब्र पर बैठे जब लोगों ने मौला अली के साथ की भूल जाती मैं अली इसीलिए इसीलिए उस सारे मंजर में राज को मौला बीबी फरमाती कि मुझे बैठना नहीं है मुझे जाना है मदीने के घरों में दस्तक देनी है या अली मुझे मौला फरमाते, जहरा जान अल्लाह ऐ हमसरे अली नूर अली रौनक है अली अली के घर की रौनक अली के घर का चराग बीबी जो आलम आप जख्मी हैं ना जाए तो लिखा गया तारीख में कि आप एक खचर पर सवार आपको करते और पीछे पीछे मौला होते राज का देरा होता और आप पढ़ते हुए उस रास्तों से गुजरती और फिर दस्तक देती लेकिन बदबخت जिन्होंने आयत इलाही को दीन को इज्जत इलाही को, को नमोश इलाही को नहीं पहचाना वापस पलट आते गिरिया फाचम यहाँ आज के इस मजलिस के आखिर पे आप सारे जितने बीबी पाक से प्यार करने वाले हैं कौन रह गया था आखिर पे सब बीबी पाक के पास जनाब बिन जमैस जनाब फ़िज़ा जनाब जैनब सलाम बच्चे चारों मौलाली और माँ के ये जो छः सात दिन की मेहमानी है ये इतनी एक्सट्रीम पे इतनी सेंसिटिव है कि आखिरी आठ दस दिनों में बीवी पाक बिल्कुल चल नहीं सकती थी पाओ जख्मे आप मुझे बताइए कि अगर दुनिया में किसी के हाथ पे जख्म आ जाए या किसी के किसी बदन के हिस्से पर तो लोग उस पे पट्टी करते हैं मरहम करते हैं दारू करते हैं दवा करते हैं और जो भी मुमकिन हो सकता है उसी तरह जैसे मेरे इमाम जैन आबिदीन करबला से शाम तक गए तो वो तो और जंजीर में जो नाजुक बदन के साथ टकरा कर खून निकलता था वो फिर करबला से शाम तक वही रास्ते बने और वही खून और कोई मरहम नहीं हुआ वो भी आयत इलाही वो भी दीन इलाही वो भी हजत हक हजत इलाही और ये तो इमामों पर हुजत है मकाम देखें रसूल फरमा रहे हैं फातिमा धारा रोए तो पत्थर रोते हैं फातिमा जान गिरिया ना किया गुरु आप रोएं तो पत्थर रोते हैं मगर बच्चों के साथ वसीयत करते करते एक शब का वक्त है कि बीबी पाक सलाम मौला मौलाली से अम्मा फजा से कहती हैं कि मुझे या अली शेर खुदा की ज्यारत करनी ये शहादत से कुछ दिन पहले तो बीबी अम्मा फिजा ने जाकर जो है मौला से कहा मौला के सर पर इमामा नहीं था गिरेबान चाक था और आप तो तशरीफ़ लाए बीबी पाक ने इशारा किया आपने करीब बैठने का बैठे तो मौला की आंखों से बारिश की तरह आँसू गिरने शुरू हुए बीबी पाक ने कहा या अली गिरिया किस लिए है मेरे जख्मों की वजह से है या मेरे बिस्तर पे पड़ने की वजह से है मुझे माफ़ कर दीजिए मैं आपके बच्चों को आखिरी दिनों में देख नहीं सकी गिरिया किस वजह से है और एक बात और कही आज मेरा दिल चाहता है कि मेरा मेरा शेर खुदा आज जी भर के रोए और मुझे मुझे कहे जो कुछ कहना चाहते हैं अब देखिए ये कायनात में ज़मीन पर एक सबसे अलग अल्लाह की अल्लाह के ऐसे नुमाइंदे हैं जिन्होंने जिनके मकाम भी टूट कर और जिनकी मजलूमियत भी हद से ज्यादा मौला इस्लाम ने सेहरा पाक के हाथ को अपने हाथ में लिया हाथ पर भुस्सा हा दिया का जान। अली एक ही बात कहते है। एक ही बात एक इल्तमास आपको आपके बाबा का वास्ता कोर से सुनिएगा मेरी बहनों आज रात इस जुमले को लेके सोचना मुश्किल कुशा शेर खुदा वसी रसूल जानशीन रसूल इमाम मुबीन वारिस क़ुरान वारिस तो इस कायनात में मगाम जो भी सोच सकते हैं आप मौला का बीबी पाक से इल्तिमास क्या करते हैं बड़े बड़े मोहब्बत आराम और आंसुओं के साथ कहा आली फरमाइए क्या हुक्म है ये फाचिम दाहरा हमेशा आपकी करनी से बात कीजिए जो आप फरमाएंगे मौला एकदम आपके आंसू गिरना शुरू हुए मौला ने फरमाया फातिमा जान अपने दहने मुबारक से एक जुमला कहा कौन सा यह आली काय रसूल की बेटी मुझे इतनी जल्दी छोड़ कर ना जा जाने की बात ना करो ये दुआ ना मांगो कि खुदा मुझे अल्लाह अज्जल अल्लाम वफाती वफातीहम्मा सरियन वफाती यानी अपनी वफात के लिए जो है अल्लाह जल वफाती यानी ये जुमला ना बोलो बोले मुझे जल्दी मौत दे दे ये जुमला ना बोला करो फातिमा मजारा ये अली टूट जाता है अभी जाने की बात ना करो फातिमा फाति मेरे घर की रोशनी मेरे बच्चों की माँ ए रसूल अल्लाह की अमानत शेर खुदा के सहारे अली की जिंदगी तेरे साथ है फातिमा मजारा अली तेरे साथ जीता है या फातिमा मजारा सलाम अल्लाह ए रसूल की बेटी अली बेटी को इतनी जल्दी छोड़कर जाने की बात ना करो फाची बजहरा जान अरे आज के बाद मैं ये ना सुनू फाची बजहरा जान ये कहना था बीबी पाक के आंसू गिरना शुरू हुए जाना तो चाहे अल्लाह आज जल्ले बली ये कल फरज बीबी पाक के सदके में अपने वक्त के इमाम के जहूर की दुआ मांगी है आज मोमिन जितने परेशान है अल्लाह आज जल्ले बली ये कल फरज अल्लाह आज जल्ले उन आंसुओं का वास्ता जो शेर खुदा की रिशो मुबारक पर गिरे फातिमा के इश्क पे। या अल्लाह उन आंसुओं का वास्ता जो फातिमा के चेहरे से गिरे आंखों से गिरे या अल्लाह इस वक्त जो भी दुश्मन इस्लाम के खिलाफ किसी भी काम के लिए अमाजा है परवरदिगारा इनके इनके आपस में जो है साजिशों को तोड़ दे इनके दोस्तियों को तोड़ दे इनके शर को इनकी तरफ पलटा दे या लमो मैंने इनकी इज्जतों को महफूज फरमा, अल्लाह इस्लाम की इज्जत को को महफूज फरमा, अल्लाह 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 की का या रसूल या की कुर्बानियों कुर्बानियों का का रसूल के के घर इस्लाम साथ तमाशा करने वालों को अब इस, दुनिया से कर दे। या इस इन सारे से, मुनाफिकों से दुनिया भर गई है परि कल फरजिल शब जुमा हमारे आंसू सुमर हमीन के हक़ में कबूल हमारी हम सब की परेशानियाँ दूर या अल्लाह इस वायरस को ख़त्म कर दे या हमारे इमाम बार का हमारी इबादत गाह है आबाद हूँ या अल्ला हमें मौका दिए हम भी विफाती मतलब हरा कपूर सा फिर खुल कर कर सकें या अल्लाह तुझे तेरे नबी की हुरमंद का बासा हमारी आज जी के सारी कबूल फरमा शब जुमा है हमें मौत आए शब जुमा हो शब जुरा चो कबर की पहली रात छो हमारे आंसू का भी फातिमा दारा के लेकर आ जाना हमारे दिलों को मिलाए तो फातिमा से हमेशा रोशन रखना या शब जुमा तो दुआएं कबूल करता है अल्लाह मर जुखना शफायतल हसैन अल्लमर जुखना जियारत हुसैन अल्लमर जुखना जियारत हुसैन लहारत اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإسابة التي جاحدت الحسين والشاجات وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم جميعا اللهم لعنهم جميعا اللهم صل ما